मेरे साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम बनाएंगे एकदम बढ़िया घर में बना हुआ शुगर स्क्रब, जिससे आपकी त्वचा हो जाएगी टोटली स्मूथ। आजकल नेचुरल स्किन केयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और घर में बना हुआ शुगर स्क्रब बहुत से लोगों के ब्यूटी रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। और ऐसा होना ऑब्वियस भी है, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं और आप इन्हें अपनी स्किन टाइप और जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ड्राई और रफ स्किन एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम में से बहुत से लोग फेस करते हैं, खास तौर पे सर्दियों में। और हालांकि कमर्शियल प्रोडक्ट्स ये प्रॉमिस करते हैं कि वो हमें स्मूथ और सॉफ्ट स्किन देंगे, लेकिन अक्सर वो अपने क्लेम पर खरे नहीं उतरते। और साथ ही साथ उनके हेफ्टी प्राइस टैग्स और हार्श केमिकल्स का जिक्र ही मत करो, जो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं फायदा से। चाहे आपको ड्राई पैचेस की प्रॉब्लम हो, फ्लेकीनेस हो या रफ टेक्सचर हो, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है और आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को अफेक्ट कर सकता है। कमर्शियल प्रोडक्ट्स शायद इंस्टेंट रिजल्ट्स का दावा करें, लेकिन वो आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को भी स्ट्रिप कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग रन में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ऑनेस्टली, कौन ऐसा है जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इतने पैसे खर्च करना चाहेगा जो काम भी ना करें? अब समय आ गया है कि हम अपने हाथ में मामला लें और ऐसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें जो ज्यादा नेचुरल हों, इफेक्टिव हों और अफोर्डेबल हों। तो सॉल्यूशन क्या है? अपना होममेड शुगर स्क्रब बनाना, बिल्कुल सही। इससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे, बल्कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स का पूरा कंट्रोल होगा और आप इसे अपनी स्किन टाइप और जरूरत के हिसाब से टेलर कर पाएंगे। साथ ही साथ इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। अपना होममेड शुगर स्क्रब बनाने के लिए आपको चाहिए होगा कुछ ग्रैन्यूलेटेड शुगर, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और कुछ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हनी ओटमील या एसेंशियल ऑयल्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है, तो आप एक ऐसे जेंटल शुगर स्क्रब रेसिपी को चूज कर सकते हैं जिसमें सूदिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एलोए वेरा या ऑलमंड ऑयल हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप कोकोनट ऑयल की क्वांटिटी कम कर सकते हैं और डीपर एक्सफोलिएशन के लिए ज्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं। एक बार जब आप सारे इंग्रेडिएंट्स गैदर कर लेते हैं, तो अब बारी है मिक्सिंग की। बस एक बोल में अपना शुगर, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल को तब तक मिक्स करें जब तक आपको एक स्मूथ पेस्ट न मिल जाए। अगर आप कोई ऑप्शनल इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, तो अब उन्हें ऐड करने का टाइम है। अच्छे से मिक्स करें जब तक कि सब कुछ अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट न हो जाए। और ये लीजिए, आपका होममेड शुगर स्क्रब यूज करने के लिए तैयार है। शुगर स्क्रब को अप्लाई करने के लिए इसे अपनी स्किन पर सर्कुलर मोशंस में मसाज करें, खास तौर से अपने एल्बोज, नीज और हील्स पर। जेंटल रहें, लेकिन फर्म भी। आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है बिना ज्यादा हार्श हुए। फिर वार्म वाटर से रिंस करें, पैड ड्राई करें और अपने यूजुअल मॉइस्चराइजर का यूज करें। रिजल्ट आपको तुरंत ही दिखाई देगा। आपकी स्किन पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्टर, स्मूदर और रेडिएंट फील होगी। और सबसे अच्छी बात, आप इस शुगर स्क्रब रेसिपी को अपनी स्किन टाइप और जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स का एक अफोर्डेबल और नेचुरल अल्टरनेटिव है। तो दोस्तों, अपना होममेड शुगर स्क्रब बनाना उन सभी के लिए एक गेम चेंजर है जो स्मूथ, सॉफ्ट स्किन चाहते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। न सिर्फ ये आपके पैसे बचाएगा, बल्कि ये आपके स्किन केयर रूटीन को कंट्रोल करने का एक फन और एम्पावरिंग तरीका भी है। अपने होममेड शुगर स्क्रब्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, तो इसे थम्स अप करें और ऐसे ही DIY स्किन केयर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करें।